हेलो स्टूडेंट्स, मैं मासू पांडे। क्लास सेवन मैथ्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो पिछले वाली वीडियो में हमने देखा था प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर, उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग उसी प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। जैसा कि हमने उस वीडियो में बताया था कि जो प्रॉपर्टी होती है, फाइव मेन प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को हमने लिखवाया था। इस वीडियो में हम देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थ्री इंटीजर्स में अप्लाई होता है। यह कहता है कि आप किसी भी नंबर को या किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर लें, ठीक है। अरेंज करने के बाद जब उसको सॉल्व करेंगे, या तो एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या सब्ट्रैक्शन, तो किस में अप्लाई होगा इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टेट दैट यू कैन ऐड और मल्टीप्लाई रिगार्डलेस ऑफ हाउ द नंबर्स आर ग्रुप्ड। नंबर का ग्रुप आप किस तरह तैयार किए हैं, यह इस पर डिपेंड नहीं करता है। उन दोनों साइड का रिजल्ट सेम आएगा, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो रिजल्ट होगा वह दोनों इक्वल आएगा। कहने का मतलब क्या है, देखिए यदि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम एडिशन में अप्लाई करें, जिसमें मेरे पास फोर ऑपरेशन होते हैं। पहला ऑपरेशन मेरे पास क्या है, एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का कहने का मतलब यह है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस सी होगा। यदि हम इस नंबर को इस ग्रुप में रखें या फिर इस ग्रुप में रखें, दोनों का सॉल्यूशन सेम होना चाहिए। यदि हम ए की वैल्यू को 5, बी की वैल्यू को 10 और सी की वैल्यू को 2 मान लेते हैं और इन वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो क्या होगा। देखिए 5 प्लस बी की जगह 10 प्लस सी की जगह 2 इज इक्वल टू 10 प्लस 5 प्लस 2। सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 10, 10 प्लस 7, 17 इज इक्वल टू 17। दोनों इक्वल हुआ, यानी इस ग्रुप में रखने के बाद भी यह दोनों इक्वल हो गया तो हम कहेंगे कि एडिशन ऑपरेशन पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है। आगे देखते हैं कि क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई होती है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए लिखेंगे सब्ट्रैक्शन में देखेंगे तो a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू बी माइनस सी माइनस ए। इसको देख लेते हैं, यहां पर भी हम a की वैल्यू को 5 ही रखेंगे, b की वैल्यू को 10 और c की वैल्यू को 2। इन सारे वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे। रखिए देखिए 5 माइनस 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 माइनस 5, ठीक है। ये क्या होगा, 5 माइनस 8 इसको ये क्या होगा, 10 माइनस माइनस 3, 2 में से 5 देंगे क्या बचेगा, माइनस 3, क्योंकि हमेशा बड़े का साइन लगता है, बड़े का यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे लगेगा आपका 5 का साइन। ये कितना होगा, माइनस 3। ये कितना होगा, जब ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो क्या माइनस 3 इक्वल टू है 13 के, नहीं है, तो हम यहां पर नॉट इक्वल टू लगा देंगे। मतलब कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं हुई। किस में अप्लाई हुई, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में नहीं हुई। अब आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई हो रही है कि नहीं। देखिए मल्टीप्लिकेशन में हम सीरीज बनाते हैं, ये होगा a इंटू बी इंटू सी, इसको लिखेंगे b इंटू सी इंटू ए,
वही ए की वैल्यू को 5, बी की वैल्यू को 10 और सी की वैल्यू को 2। तो 5 इंटू 10 इंटू 2 वैल्यू एबीसी का यहां पे रखें, एबीसी की वैल्यू को यहां भी रखेंगे तो क्या होगा 10 इंटू 2 इंटू 5 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 100 और ये भी हो जाएगा आपका 100, दोनों इक्वल है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई हो गई। डिवीजन में देखते हैं तो डिवीजन में लिखेंगे ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी, सही होना चाहिए अप्लाई हो जाएगा। ए की वैल्यू को क्या रखें 5, बी की वैल्यू क्या रखें 10, बी 10 सी 2, यहां से वैल्यू हमने पुट किया कि कितना हो जाएगा 1/2, 5 फ्रॉम द 5, 5 टू द 10 1/2, 2 ऑन द 2, 2 5 द 10 5/1, इक्वल है क्या, नहीं हम कहेंगे नहीं, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन पे अप्लाई नहीं होती। किस पर अप्लाई होती है, सिर्फ और सिर्फ एडिशन पे और मल्टीप्लिकेशन पे, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई नहीं होती। ओके समझ में आ गया होगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे हम एक एक एग्जांपल लेके सॉल्व किए हैं ए की वैल्यू को रख करके, आप ऐसे 5 एग्जांपल लेकर के ए बी सी की 5 अलग अलग 5 टाइम वैल्यू लेकर के सॉल्व कीजिएगा। ओके तब क्लियर हो जाएगा आपको कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस पर अप्लाई होती है और किस पर अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, आइए हम एक अच्छा सा चार्ट बना देते हैं इसके लिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पे, आप इस चीज को अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस पर अप्लाई होती है, जहां सही है वहां अप्लाई हुई, जहां नहीं सही वहां नहीं अप्लाई हुई, एग्जांपल के साथ हमने बता दिया। कॉपी पे आप अपना एग्जांपल भी नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे आते हैं, देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टेट दैट यू कैन मूव नंबर्स अराउंड एंड स्टिल अराइव द सेम आंसर, कि आप दो नंबर्स को इंटरचेंज करें, इसको हम इंटरचेंज प्रॉपर्टी भी कहते हैं। कहने का मतलब इसका यह है कि यदि a प्लस बी लिखा हुआ है, इसको आप b प्लस ए कर देंगे फिर भी आंसर वही रहेगा। अब यह प्रॉपर्टी किसमें किसमें लागू होती है, यह तो मान लीजिए एडिशन है, यहां सब्ट्रैक्शन ले लें तो ये क्या होगा a माइनस बी बी माइनस ए। देखते हैं कि क्या इसमें भी यह सही है इसमें भी सही है। आइए हम a की वैल्यू को 10 कर लेते हैं, b की वैल्यू को 5 कर लेते हैं, यहां रखते हैं 10 रखिए, 10 प्लस 5 5 प्लस 10 15 इज इक्वल टू 15, बताइए यह सही है ना। यदि यह सही है तो मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में अप्लाई होती है, हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में अप्लाई होती है। यह देखिए 10 माइनस 5 5 माइनस 10 5 माइनस 5 इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे क्या कहेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होती है, इसमें अप्लाई नहीं होती है, इसमें अप्लाई होती है। मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, a की वैल्यू क्या है 10 इंटू 5, 5 इंटू 10, 15 इज इक्वल टू 15, अप्लाई हो गई ना।
यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में अप्लाई सॉरी मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई हो गए। डिवीजन देखते हैं, ए अपान बी, बी अपान ए की वैल्यू क्या है 10/5, 5/10, ये 2, ये 1/2 नहीं इक्वल है, तो कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में अप्लाई नहीं है। समझ में आया? जिस पर सही है, जिस पर ट्रिक है उसमें अप्लाई है, जिसमें नहीं ट्रिक है क्रॉस है उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। तो समझ में आया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? चलो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप और खुद से ऐसी ऐसी 2-3 वैल्यू लेकर के खुद सॉल्व कीजिएगा। आगे आइए एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, आइए समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ टू, दो नंबर्स का जो मल्टीप्लाई है, सम है उसका मल्टीप्लाई, मोर देन एडेन, दो या दो से ज्यादा इंटीजर इसमें हो सकते हैं, ठीक है, बाय ए नंबर विल गिव द सेम रिजल्ट एज मल्टीप्लाइंग ईच एडेन इंडिविजुअली बाय द नंबर एंड देन एडिंग द प्रोडक्ट टुगेदर। आइए इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो बेटर होगा। कह रहा है कि मान लीजिए 2 का मल्टीप्लाई है किसमें, 2 एड 3+2 में, ये लिखा है, देखिए लिखा है मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ 2, दो नंबर इंटीजर का सम है, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं थर्ड इंटीजर से, ठीक है, यह इक्वल होगा किसके, यदि मैं इसको सॉल्व करूं, इसको सॉल्व करूं तो क्या होगा 2 × 5 = 10, यह क्या होगा विल गिव द सेम रिजल्ट। अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 + 2 × 2, कहने का मतलब यह है इसको सॉल्व करेंगे फिर भी रिजल्ट यही आएगा, इसको सॉल्व करेंगे फिर भी रिजल्ट यही आएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्या हो गया, बट गया, अलग अलग चीजों में बट गया, 2 एक बार 3 के साथ आया, 2 एक बार 2 के साथ आया, इसको सॉल्व करेंगे फिर भी रिजल्ट यही होगा, इसको सॉल्व करेंगे फिर भी रिजल्ट यही आएगा, देखिए 3 × 2 = 6 + 2 × 2 = 4, रिजल्ट क्या आया 10, तो दोनों साइड इक्वल है ना, यही कह रहा है कि दो नंबर्स का जो सम फिर उसमें तीसरे इंटीजर्स का मल्टीप्लाई किया जाए और उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके भी सॉल्व किया जाए तो दोनों साइड्स का जो आंसर होगा आपका सेम होगा। मे बी समझ में आ गया होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, डिफरेंसेस को आप याद कर लीजिएगा। इसमें सिर्फ यही होता है, यह सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होता है, सिर्फ इसको हम इसी तरीके से एक ही प्रॉपर्टी के अनुसार जान सकते हैं। हम कुछ और आगे आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क क्या, हर एक प्रॉपर्टी में ए बी सी की वैल्यू को आप पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ओके। तो देखिए ये होमवर्क तौर पे आपके क्वेश्चन हैं, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। देखिए कैसे सॉल्व करना है, a = b, a = 4, b = 5 and c = 10, इस वैल्यू को हर एक प्रॉपर्टी में अप्लाई करना है, हर एक प्रॉपर्टी का फार्मूला हम लिखे हुए हैं जब पढ़ाए हैं तो हर एक प्रॉपर्टी का फार्मूला लिखे हैं, a = 4, b, a, b, c तीनों वैल्यू इस प्रॉपर्टी पर रखनी है, क्या फार्मूला है देख लीजिएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या फार्मूला उस पर देख लीजिएगा, हर एक प्रॉपर्टी में के फार्मूले में इसको पुट करना है, ओके। तो ये समझ में आपको आया होगा। अच्छा कैसे करना है, हम सॉल्व करके एक क्वेश्चन आपको दिखा दे रहे हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देता हूँ फिर आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी में इसको अप्लाई करना है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या है, हम ए वाला कर रहे हैं तो पहले लिख लेंगे यहाँ ए, क्लोजर प्रॉपर्टी का नाम लिख लेंगे, फॉर्मूला क्या होता है कि सम करें और सम का जो रियल टाइप वो भी क्या होगा इंटीजर होगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी ये होगा, तो सबको सम करेंगे तो 20 + 10 + 5 कितना हो जाएगा 35, यानी इट्स इंटीजर, बस ये क्लोजर प्रॉपर्टी सॉल्व हो गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व करना हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि आपको ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये है वैल्यू रख लेंगे 20
20 प्लस 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 20 प्लस 10 प्लस 5 30 प्लस 5 इज इक्वल टू 20 प्लस 15 35 इज इक्वल टू 35 इसको भी सॉल्व हो गया। इस तरीके से आपको जिस पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है उन सारे ऑपरेशंस पे इस वैल्यू को पुट करके आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। मे बी आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, दिए गए होमवर्क को सॉल्व कीजिएगा। हम लोग फिर नए वीडियो में मिलेंगे। इंटीजर के एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन हम लोग लगाना शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।